राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऐसे मिस और मिसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ घरों को संभालने वाली महिलाओं ने हिस्सा लिया बल्कि व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा खासा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं ने हिस्सा लिया और सभी रैंप पर चली। दिलचस्प बात ये रही कि पालम विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक भावना गोड ने भी हिस्सा लिया और रैंप वॉक किया। ये नजारा देख हर कोई उनकी और सभी महिलाओं की सराहना करते नहीं थके। दरअसल इस कार्यक्रम का खास तौर पर आयोजन नारायणी नाम की संस्था ने किया, जिसका मकसद था एक ऐसी प्रतियोगिता उन महिलाओं के बीच आयोजित की जाए जो समाज के अलग अलग दायित्वों को निभाती है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना रहती है कि वह भी इस तरह की प्रतियोगिता के भागीदार बन सके। संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पालम इलाके की विधायक भावना गोड न सिर्फ पहुँचे बल्कि उन्होंने खुद रैंप पर चलकर इन महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आई विधायक भावना गोड का कहना है कि ये एक बेहतर प्रयास है जिसके लिए संस्था ने शानदार काम किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवेश की चर्चा करते हुए कहा कि आज बच्चों में संस्कार देने की भी जरूरत पर बल देना चाहिए, जिसे ये महिलाएं बखूबी कर सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिंकू महेश चौधरी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, बहुत सारी बधाई दूंगी। आपने देखा एक बहुत ही सुंदर मंच है और एक ऐसा मंच जो गली मोहल्ले में रहने वाली महिलाएं, लड़कियां, शादीशुदा हो बिना शादीशुदा हो, वो उनमें बहुत टैलेंट है लेकिन आवश्यकता है उस टैलेंट को बाहर लाने की। और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते हमेशा ये आभास मेरे भीतर बना रहता है। कुछ एक लड़कियां हैं जो अपने भाव को उजागर करके समाज के सामने लाती हैं लेकिन बहुत सारी महिलाएं, हर महिला में टैलेंट होता है लेकिन अलग अलग तरह का होता है। आज ये पालम का ये मंच, नारायणी नाम का एक मंच, उसने विशेष तौर पे वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, दो बच्चों की माँ भी हैं, आज कहीं ना कहीं उनका सपना रहा होगा रैंप पर आने का, इस मंच ने उसे साकार किया है। वहीं आयोजक रिंकू महेश चौधरी का कहना है कि उनका प्रयास समाज के हर एक वर्ग से उन महिलाओं को आगे लाकर उनकी सोच और इच्छाओं को पूरा करना है। जो सोचती तो है इसे करने की लेकिन कर नहीं पाती। आफ्टर कोरोना के जो टाइम के बाद हमने अपना इवेंट फिर शुरू किया है 2 साल के बाद। ये इवेंट हम हमेशा से करते आ रहे हैं, लगातार 4 साल से। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम इसको मोस्टली करते हैं कि इसमें सभी बिजनेस वुमेन, ग्रामीण महिलाएं अपना स्किल दिखाती हैं, मोटिवेट होते हैं एक दूसरे से। मेन मोटिव है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये इवेंट हम करते हैं। इसमें हम ग्रामीण और शहरी महिलाएं मिलकर आगे काम करते हैं और चाहेंगे कि ये प्रोग्राम ऐसे ही हम हर साल करते रहें। धन्यवाद। दिल्ली के अलावा, हाँ जी, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम दिल्ली, अभी हम पहले हम दिल्ली का ही करते थे लेकिन अभी 2 साल बाद हम चाह रहे हैं कि इसको हरियाणा, राजस्थान सभी जगह से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसको आगे भी बढ़ाएं। महिलाएं आज समाज के दूसरे कामों में अहम दायित्व निभाकर अपना दायित्व निभाती है लेकिन नारायणी संस्था ने ऐसी ही महिलाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रैंप पर उतारा और उनकी दबी भावनाओं और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाई। रैंप पर चलकर उसकी शोभा बढ़ा रही ये महिलाएं साधारण नहीं है बल्कि कोई उद्यमी है तो कोई व्यवसाय जगत की बड़ी कंपनी में कार्यरत है, तो कोई MNC में, तो कोई सबसे अहम जिम्मेदारी घर की निभाने वाली है। और संस्था ने इनका चयन दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे दूसरे राज्य शहरों से भी किया है।